चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। हमारे पास कोई वृत्त है, तो हमने ले लिया है कि हमारे पास एक ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। ये जो ओ केंद्र वाला वृत्त है, इसके बाहर कोई बिंदु हमारे पास है। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, बिंदु हमारा पी है। इस बिंदु पी से जो खींची गई हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, वे पी ए तथा पी बी है, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है, और समझिए, ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड है, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा, स्पर्श बिंदु ए है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। हमें दिखाना है। अब आप लोग समझिए संपूरक कब होगा, जैसे अगर इस कोण का और इस कोण का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाए, ठीक है। हमें दिखाना क्या, आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर हम दिखा दें ए पी बी का जो योग है, यानी कि एंगल ए पी पी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर हमारा 180 डिग्री के, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ए पी बी है ए ओ बी का संपूरक है, ठीक है। समझ गए बात आप लोग, चलिए लिख लीजिए। दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी हैं, पीए तथा पीबी हैं, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः ए तथा बी है। ठीक है, समझ गए। ओ ए और ओ बी वगैरह क्या हो गए, रेखाखंड हो गए। अब आप लोग चीजों को ध्यान से समझिए, हमें क्या प्रूव करना है, लेकिन सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तुम्हारा एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी का जो योग है वो बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आगे आप लोग ध्यान से देखिए, प्रमाण दे दीजिए इसके लिए। स्टूडेंट्स अब आप लोग सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए ए वाला जो हमारा एंगल है कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ए वाला जो हमारा
एंगल ऑफ कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? ये जो केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है? स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। ऐसा भी आप कह सकते हो जो वृत्त की त्रिज्या है भाई यह रेखाखंड ही तो है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही तो है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक बात। यहाँ पर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, इसलिए जो हमारा OA है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? PA पर, बिंदु A पर। ठीक है, देखिए एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री और जो हमारा एंगल OBP है वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? लिख दीजिए चूंकि चूंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया रेखाखंड स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, बिंदु पर लंब होता है। समझ गए स्टूडेंट? केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया जो रेखाखंड OA है वो क्या है? स्पर्श बिंदु पर लंब है। समझ गए? चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, O A P B मिलकर के क्या बना रहे हैं? OA एक भुजा हो गई, PA भी एक भुजा हो गई, PB भी एक भुजा हो गई और OB भी एक भुजा हो गई। चार भुजा हो रही है, चार भुजा से बंद आकृति हमें मिल रही है। चार भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। और यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज का कोण का जो योग गुणधर्म है उसका इस्तेमाल करने वाले। लेकिन अब हम क्या करेंगे? एंगल ओ ए पी प्लस ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी ए ओ बी। ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा? 360 डिग्री। कारण लिख दीजिए, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोणों का हमने योग लिया, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। अब यहां पर आप लोग मान रख दीजिए, देखिए OAP का मान क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पर OAP का मान रख दीजिए 90 डिग्री प्लस APB नहीं पता, ऐसे लिख दीजिए PBO PBO। ठीक है, जिस कोण की बात करते हैं हमारा बीच में आना चाहिए। देखिए PBO कहिए या फिर OBP कहिए, बात एक ही है स्टूडेंट। ना समझ पा रहे हो इसे आप लोग OBP कर दीजिए। देखिए OBP इसी एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, OBP का मान कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360।
90 में 90 जोड़ी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए 90 90 जोड़ा कितना हो गया 180 डिग्री। इसको लिखिए ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 180 डिग्री बराबर 360 है। ठीक है, अब यहां से देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 180 इधर लेकर के आइए हो जाएगा माइनस 180। और यहां से 360 में से 180 घटाओगे 180 डिग्री आ गया। देखिए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमने दो कोण लिया, ठीक है, दो कोण लिया, एक को हमने ले लिया 100 डिग्री, दूसरे को ले लिया 80 डिग्री। ठीक है, अब आप जब दोनों का योग करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री करोगे 180 डिग्री आपको मिल रहा है। तो ये जो कोण है संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर 80 डिग्री के संपूरक कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। अगर 100 डिग्री के संपूरक कोण की बात करें हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। इसी तरीके से अब एंगल ए पी बी और ए ओ बी का जो योग है 180 डिग्री आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए पी बी है वो ए ओ बी का क्या है? संपूरक कोण है। हमें यही दिखाना था कि ये जो कोण है रेखाखंडों द्वारा स्पर्श बिंदु जो बने रेखाखंड है केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है ए इसका संपूरक होता है। तो सिद्ध हो चुका है, लिखे प्रूफ। बात समझ गए स्टूडेंट? इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और जो बातें समझानी थी मैं आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।